हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा किचन्स मैजिक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर चिकन की रेसिपी, यानी चिकन काली मिर्च की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक सी रेसिपी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारा पेपर चिकन बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी बना हुआ है। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया हमारा पेपर चिकन बना हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 800 ग्राम चिकन लेंगे। इसको मैंने 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें हम 1 बड़ा चम्मच धनिया सीड ऐड करेंगे, यानी कोरिएंडर सीड, 1 बड़ा चम्मच जीरा यानी कुमिन सीड, 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे यानी फेनल सीड, 3 से 4 हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट करेंगे अरोमा आने तक। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसका हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, इसे हमें बिल्कुल कोर्स पाउडर में रखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटा हमें रखना है। इसी मसाले से ही जो पेपर चिकन का टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। पॉट को हम गैस पे रख देंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी घी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता यानी बे लीफ ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे यानी कुमिन से। तड़का को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। ये देखिए तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज के बिल्कुल फाइनली चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। इसे हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट डालने से जो ऑनियन होते हैं बहुत अच्छी तरह से भून जाते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ करी लीव्स इसमें ऐड करेंगे और सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 स्लिट में कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऑनियन का जो कलर है लाइट पिंक कलर का हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। हमें इसमें अलग से आपको पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। चिकन का जो पानी रिलीज किया उसी में हमें इसे कुक करना है। अब हमने जो मसाला बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। चुटकी भर में इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे खुला ही ऐसे ही पकाएंगे जब तक कि इससे मसालों से ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं मसालों से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और चिकन जो हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका जो फ्लेवर होता है और इनहेंस हो जाता है। आप इसमें कसूरी मेथी जरूर ऐड कीजिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पेपर चिकन बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और लाजवाब दिख रहा है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी, चपाती या स्नैक्स में। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।